बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा में बीते 24 घंटों में 24 नए मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे जो फिगर है वो निकल के सामने आ रहा है। अब 24 घंटों में 24 मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 153 पहुंच चुका है। 18 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। विनोद लांबा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। विनोद, बीते 24 घंटे में आंकड़ा बढ़ गया, 24 नए मामले, क्या ज्यादा जानकारी? खतरे की घंटी है हरियाणा में भी। संक्रमण को रोकने के जो तमाम प्रयास थे वो कहीं ना कहीं झटका मिला है, और 24 नए मामले 24 घंटे में जिस तरह से आए हैं, टोटल इफेक्टिव की जो संख्या है हरियाणा राज्य में वो 153 हो चुकी है। हालांकि उसमें से 18 डिस्चार्ज और 2 डेथ निकाल दी जाए तो भी अभी जो एक्टिव केसेस है पूरे प्रदेश में वो आंकड़ा 133 हो जाता है। और आज के आंकड़ों की जिले वाइज अगर आप विवरण रखना चाहें दर्शकों के सामने तो ये भी काफी चौंकाने वाले हैं। गुरुग्राम से 2-3 दिनों से काफी शांति भरी खबरें आ रही थी, शांति इस लिहाज से कि नए केसेस नहीं आ रहे थे। आज टोटल मिलाकर गुरुग्राम में मॉर्निंग और इवनिंग जो हेल्थ और कोरोना अपडेट आई है सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा, वहां गुरुग्राम से 12 नए मामले आए हैं। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और गुरुग्राम में जो कहा जा रहा था कि थोड़ी शांति होगी और कुछ नए केसेस नहीं आएंगे, वो चीज को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा बाकी जिलों की आज जो नए केसेस आए हैं, वहां फरीदाबाद से 7 केसेस हैं, फतेहाबाद से 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, नूर से 1 नया पॉजिटिव केस मिला, पलवल जिला जो लगातार कहीं ना कहीं सबसे इफेक्टिव राज्यों में गिना जा रहा था, वहां 2 नए केस, इसके साथ अब टोटल संख्या जो है 27 हो गई है। और ऐसा ही बाकी जिलों का भी हाल है। नूह की आप बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, और करनाल में भी 4 एक्टिव केसेस अभी तक हैं। तो आप देख सकती हैं पूरा जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है पूरे हरियाणा के लिहाज से वो 133 हो चुकी है। बिल्कुल, ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में कारण क्या बताया जा रहा है? क्या तबलीगी जमात का यहाँ भी जुड़ाव नजर देखने को मिल रहा है, यहाँ कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो 24 घंटे में 24 मरीज बढ़े हैं कोरोना के? विनोद, देखिए पलवल, नूह, फरीदाबाद, इन 3 जिलों की तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जमात के नए केसेस जो भी आए हैं, जमात से कहीं ना कहीं अधिक से अधिक संख्या में कहें कि 80 से 90% जो केसेस थे वो जमात की वजह से आए। गुरुग्राम का अभी एक बार देखना होगा कि वहां का जिला प्रशासन किस तरह की जानकारी देता है और 12 नए केसेस को लेकर क्या जानकारी दी जाती है, क्या जमात से जुड़े हुए थे। लेकिन हाँ, 3 जिलों का सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर जमात का पड़ा है और जो मेरी जानकारी में भी है वो फरीदाबाद है, नूह है और पलवल है। विनोद, ये जो आप बता रहे हैं जिस तरह से ये जो चेन है, नूह, फरीदाबाद, पलवल, ये तमाम इलाके जहां पर से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ट्रैक कर पाए हैं कि इन 24 लोगों के संपर्क में कौन कौन आया था, ये कहां कहां गए थे, किस किस के संपर्क में ये लोग आए हैं? देखिए बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ी सी अगर कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है तो नूह और जिसे मेवात का इलाका भी कहा जाता है, उस जिले में बहुत ज्यादा केसेस की जो पूरी चेन है क्वारंटाइन करने की जिन लोगों को जरूरत थी वहां से बहुत ज्यादा प्रशासन की तरफ से नहीं जानकारी मिल पा रही। लेकिन हाँ, फरीदाबाद में मेरे पास जो जानकारी है 13 एरियाज को कंट्रोल कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया गया है पूरी तरह से। और उनकी जो सिचुएशन है जहां ज्यादा केसेस आए थे, बड़कल का एरिया हो, सेक्टर 28 का हो, 16 का हो, जहां लगातार ज्यादा केसेस आ रहे थे, ऐसे 13 जो स्थान थे इस फरीदाबाद जिले में, उनको चिन्हित करके डीसी सहित तमाम जो प्रशासन है उन पर कार्रवाई कर रहा है। नूह से कहीं ना कहीं ये लापरवाही या फिर कहें कि अभी तक ट्रेस डाउन की खबरें निकलकर सामने नहीं आ पाई है। पलवल से भी कई इलाकों को अब आइसोलेट किया जाएगा और वहां भी जो संख्या लगातार 30 के आसपास चल रही है वो भी काफी चिंता का विषय है। गुरुग्राम में बाहर के मरीज भी ज्यादा होते हैं, गुरुग्राम को एक बार देखना होगा क्योंकि मैदान पर बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कोरोना का जो इलाज है वो कर रहा है, तो ये केसेस देखना होगा कि कहां से क्या ट्रेंड है, जमात से जुड़े हुए हैं। बाकी इन 3 जिलों का सीधे तौर पर जमात का 80 से 90% असर अब फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।